मैं पहले तो आप मीडिया कर्मियों का धन्यवादी हूँ जो इतने सुबह आप इतनी दूर BSF के अंदर आकर के मीडिया कवरेज कर रहे हैं। हमारा रोटरी क्लब आप सभी जानते हैं अबोर में बहुत पुराना है, इंटरनेशनल क्लब है और विभिन्न समाज कल्याण के प्रोजेक्ट शहर के अंदर करता है। जब से ये 55 बटालियन यहाँ पे बोर में आई है पिछले साल से, कमांडेंट के अन त्रिपाठी साहब, डिप्टी कमांडेंट दलवीर साहब, गुरदीप साहब, विवेक जी और विभिन्न ऑफिसर्स जो यहाँ पे हैं, इनके साथ तालमेल करके हमने अबोर क्षेत्र में और BSF कैंपस के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं पर्यावरण को बचाने वाले और सेहत को संभाल रखने वाले प्रोजेक्ट यहाँ पे हमने किए और आगे भी करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण इस पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। करिए योग रहिए निरोग नारे के साथ हमने पिछले साल भी यहाँ पे योगा डे BSF के साथ मनाया था। जो हमारे सरहद प्रहरी हैं हमेशा हम उनको सलूट करते हैं, सारा हिंदुस्तान उनको सलूट करता है, तो इनके साथ पिछले साल भी मनाया था, इस साल भी। और अभी और दीप साहब जो डिप्टी कमांडेंट हैं उन्होंने अगले साल के लिए फिर हमें इन्वाइट किया कि यहाँ आके हमारे बीच में हमारे साथ ज्वाइन करिए और यहीं पे योगा मनाना है। योगाचार्य रुचिका जैन जो यहाँ पे आई हुई है, अबोर में इनका योगा स्टूडियो है। और मैं ये समझता हूँ कि योग सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, युवाओं के लिए भी है। छोटी सी उम्र में भी अगर समय भाव हो तो कम से कम 15 मिनट ही जरूर योगा कर लिया करें। खाने का 2 घंटे गैप रख के सुबह करें तो बहुत बढ़िया, अगर शाम के समय टाइम है तो खाने से 1 घंटा पहले ज़रूर योगा किया करें, क्योंकि योगा से सिर्फ बाहरी ही नहीं अंदरूनी ताकत भी हमारे शरीर को मिलती है। तो सभी से अपील है, धन्यवाद एक बार फिर पत्रकार साथियों का। जय हिंद सर। जो आज योगा कर रहे हैं आज कैसे लगा रहा? योग एक जीवन पद्धति है, हमारी सीमा सुरक्षा बल के सभी कार्मिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योगासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम प्रतिदिन योग का अभ्यास करते हुए अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सजग रखते हैं। सर, शहरवासियों की संदेश देना चाहते हैं, शहरवासियों को की संदेश देना चाहते हो? मैं स्थानीय शहरवासियों और सरहद के सभी निवासियों से यह संदेश देना चाहता हूँ कि सीमा सुरक्षा बल हर समय सर्वदा सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है और अपने मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य के मुताबिक सीमाओं की सुरक्षा और स्थानीय नागरिकों में सेवा और सुरक्षा के रूप में तत्पर है। सर, आज आपको कैसे लगा? एक स्थानीय जनता रोटरी क्लब स्कूल के बच्चों के साथ सम मिलकर हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया और हमारे लिए भी काफ़ी उत्साहवर्धक है। मैडम, आज सीमा सुरक्षा बल योगा कैंप का आयोजन किया, किस तरह लगा तो हमने सुरक्षा? ये भी बहुत अच्छा लगा कैंप, यहाँ पे सभी की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी, एनकरेजमेंट बहुत रहा, बहुत मोटिवेशनल रहा, सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरा यही मानना है कि जो योगा है वो एक एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ आपका ही लाइफ स्टाइल है जो आपको डेली बेसिस पे अडॉप्ट करना चाहिए। योगा का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, आप मेडिटेशन, आप प्राणायाम करो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करो। जैसे प्राणायाम को मेन बोला जाता है कि ये वाइटल फोर्स एनर्जी होती है, तो हमारा जो बॉडी है वो हमारी ब्रीदिंग पे डिपेंड करता है, जिस दिन सांस रुक गया सब खत्म है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको अलाइनमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हम डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें, कुछ ना कुछ अपने डेली लाइफ स्टाइल में वर्कआउट करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप योगा करें।